आधी रात का समय था मुरादनगर के लगभग हर घर के लोग गहरी नींद के आगोश में थे पैंसठ साल की सुहासिनी देवी भी बेसुद सोई हुई थी तभी उनकी नींद उस आवाज से खुल गई, जो घर में कुछ गिरने के बाद आई थी कैसी आवाज थी ये कुछ गिरा है क्या ये कहते हुए वो अपने बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे की ओर जाने लगी तभी एक बड़ी सी काली बिल्ली उनके सामने ऐसी म्याऊ कहते हुए भागी सुहासिनी देवी उस काली बिल्ली को देखकर बहुत डर गई ओह इस बिल्ली ने तो डरा ही दिया कितनी बार कहा है बहू को कि रात को सोते वक्त ठीक से देख लेने के लिए कि दरवाजे और खिड़की अच्छी तरह से बंद हैं कि नहीं लेकिन ये है कि मेरी बात सुनती ही नहीं कोई नहीं सुबह एक बार फिर से बोल दूंगी ये कहकर सुहासिनी देवी अपने बिस्तर की ओर जाने लगी तभी उन्हें अपने बहू के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज आई ऐसा लगा कि उनकी बहू किसी से बातें कर रही है अरे ये कामिनी बहू किससे इतनी रात को बातें कर रही है अनूप तो यहाँ है ही नहीं सुहासिनी देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बहू के कमरे में कौन है जिससे बहू इस तरह बातें कर रही है जबकि उनका बेटा अनूप तो ऑफिस के काम से तीन महीने के लिए बाहर गया हुआ था उनके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी तभी उन्हें अब अपनी बहू के कमरे से हंसने की आवाज़ आने लगी वो हंसी किसी मर्द की थी कामिनी के कमरे में कौन है कौन है उसके कमरे में सुहासिनी ये जानने के लिए अपने बहू के कमरे की ओर बढ़ गई और उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसे आवाज़ देने लगी कामिनी कामिनी कुछ समय खटखटाने के बाद कामिनी ने दरवाजा खोला सुहासिनी उससे बिना कुछ बोले हुए उसके कमरे में चली गई और इधर उधर देखने लगी उसे ऐसा करते देख कामिनी ने उनसे पूछा क्या हुआ माँ जी आप इतनी रात को मेरे कमरे में किसे ढूंढ रही हैं? उसकी बातों का कोई भी जवाब दिए बिना सुहासिनी उसी तरह उसके कमरे में देखती रही फिर कमरे की खिड़की और दरवाजे की ओर भी देखा लेकिन वे सभी तो बंद थे माँ जी आप बोलिए ना आप इस तरह क्या ढूंढ रही हैं? कौन था कौन था तेरे कमरे में तू किससे बातें कर रही थी ये आप क्या कह रही हैं माँ जी देख बहु झूठ मत बोल मैंने अपने कानों से तेरे कमरे से किसी मर्द के हंसने और बात करने की आवाज़ सुनी है अपनी सास के मुँह से ये सुनते ही कामिनी चीख चीख कर रोने लगी हे ऊपर वाले अपनी सास के मुँह से ये सब सुनने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया आपने सासुमा आप कुछ भी कहिए कुछ भी करिए जी में आए तो चार जूते भी मार लीजिए लेकिन मेरी जैसी साफ चरित्र की औरत पर शक नहीं करिए लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम किसी से बातें कर रही थी मैंने कब इनकार किया कि मैं बातें नहीं कर रही थी मैं तो फोन का स्पीकर ऑन करके अनूप से बात कर रही थी उनका फोन आया था वो आपके और मेरे बारे में पूछ रहे थे वो क्या है ना कि आज उन्हें काम की वजह से समय नहीं मिला इसलिए इतनी रात को फोन किया आप कहिए तो अनूप से आपकी बात करा दू अरे नहीं नहीं, नहीं माँ मैं कॉल लगाती हूँ अनूप का आप उनसे पूछ ही लीजिए कामिनी की बात पर सुहासिनी ने उससे कहा मुझे माफ कर दे बहू पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चलने लगा था ये कहकर कामिनी फिर से अपने कमरे में चली गई कामिनी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे अनूप के पास गांव से शहर में रहने के लिए आई थी क्योंकि अनूप उन्हें बार बार अपने पास बुला रहा था लेकिन सुहासिनी देवी का मन तो गांव में ही लगता था बहरहाल सुहासिनी देवी अपने बिस्तर पर आई और सोचने लगी पता नहीं मेरी बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी लेकिन मैंने आवाज तो सुनी थी अब मुझे क्या पता वो फोन पर बात कर रही थी चलो अच्छा है मेरा शक गलत निकला मेरी बहू तो हीरा है हीरा ये सोचकर वो फिर से पुराने दिनों की यादों में खो गई तेईस साल की कामिनी को जैसे ही अनूप ने देखा तो वो उस पर लट्टू हो गया कोई भी कह सकता था कि उसे फुर्सत में बनाया गया था अनूप की माँ सुहासनी देवी भी अनूप के चेहरे के खिले रंग को देखकर सब कुछ समझ गई थी फिर उन्होंने कामिनी की खूबसूरती को निहारते हुए कामिनी के माँ बाप से कहा देखिए हमें तो लड़की बहुत पसंद है अब आप लोग भी अपनी राय बता दीजिए अरे हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है बस अब आप लोग शादी की तारीख दे देते लेकिन पहले आप लोग कामिनी से तो पूछ लेते उसे हमारा बेटा पसंद है कि नहीं उनकी बातों को सुनकर कामिनी शर्मा गई और वहाँ से उठकर चली गई। बहुत ही संस्कारी बेटी है आपकी आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं? कुछ दिनों बाद कामिनी और अनूप की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद जो भी कामिनी को देखता वो उसकी खूबसूरती के पुल बांधने लगता सुहासिनी को ये सब देख बहुत अच्छा लगता था कुछ दिन माँ के पास रहने के बाद अनूप कामिनी को लेकर शहर आ गया ये सब सोचते हुए सुहासनी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं लगा अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो कामिनी मार्केट जाने के लिए तैयार खड़ी थी अरे बहू ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है माँ जी सारी सब्जियाँ खत्म हो गई है चीनी भी नहीं है और दूध भी मैं सोच रही थी मैं ये सब लेती हूँ यही थोड़ी दूर पर ही तो दुकानें हैं अच्छा सुन मैं ले आती हूँ सारा सामान तू घर का काम संभाल लेकिन माँ जी अरे मुझे भी तो चलने फिरने दिया कर पूरा दिन घर में बैठे बैठे मेरे घुटने और भी दर्द करने लगते हैं गांव में तो पाँच किलोमीटर तक हर दिन चलना होता है मेरा सुहासनी ने थैला लिया और थोड़ी दूर पर स्थित मार्केट में चली गई वो सब्जियां खरीद रही थी तभी एक औरत ने उसे टोका राम राम आंटी जी मैं अलका हूँ अलका अरे मैं आपकी बिल्डिंग में काम करने जाती हूँ आप कामिनी की सास है न हाँ मैं उसकी सास हूँ आपकी बहू नहीं दिख रही है अरे वो तो घर पर ही है मैं ही आई हूँ अकेले उनकी बात को सुनकर अलका सुहासनी देवी को खींचते हुए एक उड़ ले गई और उनसे कहा माँ जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें बतानी है लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आप बुरा नहीं मानेंगी और ये बात आप अपनी बहू को हरगिज नहीं बताएंगी कौन सी बात और भला मैं क्यों बुरा मानूंगी पहले आप वादा तो करिए सुहासनी देवी ने अपनी मौन सहमति दे दी उसके बाद अलका ने जो कहा उसे सुनकर सुहासनी देवी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा माँ जी आपकी बहू बदचलन है बदचलन पूरे मोहल्ले में हर कोई उसके बारे में बातें करता है हम में से कई लोगों ने देखा है कि जब आपका बेटा शहर से बाहर या ऑफिस में होता है तो कोई आदमी उसे मिलने आता है और वो तब तक यहाँ रहता है जब तक कि आपके बेटे के लौटने का समय ना हो जाए ये सब क्या बकवास है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में ये सब बोलने की माफ करिएगा माँ जी ये सच है और सच को तो बिना डरे बोलना ही चाहिए उसके बाद अलका ने सुहासिनी देवी से कहा कि सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती फिर भी वो अपनी बहू पर नजर रखेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सुहासिनी कांपते पैरों से अपने घर गई। कल रात की सारी बातें उनके आगे फिर से घूमने लगी बहरहाल वो घर पहुंची। घर आते ही कामिनी ने पूछा कि माँ जी कहाँ रह गई थी आप इतनी देर कर दी आपने मुझे आपकी चिंता हो रही थी अरे बहू चिंता की क्या बात है मैं कहीं दूर तो नहीं गई थी यही बात ही तो थी सुहासिनी ने कुछ दिनों तक अपनी बहू पर नजर रखी लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा क्या मैं गलत शक कर रही हूँ अपनी बहू पर लेकिन वो अलका भी तो उस दिन कह रही थी कामिनी के बारे में उसी रात की बात है एक बजे के बाद अचानक सुहासनी देवी की नींद खुली तो उन्हें कामिनी के कमरे से फिर से किसी मर्द के हंसने की आवाज आई इस बार सुहासनी दबे पांव वहां गई और उसके दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी कब तक रहेगी ये बुढ़िया यहाँ दिमाग का दही कर दिया है आज पूरे दस दिन बाद हम मिल रहे हैं प्रभास अरे मेरा बस चले तो मैं कल का ही उनका टिकट कटा दूँ लेकिन ये संभव तो नहीं है दस दिन तुमसे दूर रहूँ अब और मत तड़ और एक हो जाओ आ जाओ सुहासनी देवी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन उनके कान उस सच को सुन रहे थे जो बहुत ही कड़वा था सुहासनी देवी ने उस सच को सुनकर अपना नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बहू को आवाज देने लगी कामिनी कामिनी बलन औरत खोल दरवाजा खोल दरवाजा ये कहकर वो एक बार फिर जोर से चिल्लाई और इस बार जब वो चिल्लाई तो उसने देखा कि वो तो अपने बिस्तर पर ही है दूर से उनकी बहू भागती हुई आ रही है माजी माजी क्या हुआ माजी बहू कहाँ गया वो कौन माजी कौन कहा गया फिर सुहासनी देवी ने देखा कि वो तो बिस्तर पर ही है इसका मतलब उसने जो भी देखा वो सब सपना था उसकी बहू गलत नहीं थी लेकिन फिर वो अलका जो बोल रही थी उसकी बातों का क्या बहू तू अलका को जानती है क्या अलका वो काम वाली बहुत ही बदमाश है जानती है माँ जी तीन बार मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया उसके बाद मैंने उसे काम से निकाल दिया उसके बाद तो वो ना जाने पूरे मोहल्ले में मेरे बारे में क्या क्या झूठ बोलती रही झूठ फैलाती रही मोहल्ले के कुछ और घरों में भी उसने चोरी की और जब उन्होंने भी उसे नौकरी से निकाल दिया तो वो उन्हें भी बदनाम करने लगी लेकिन जानती है माँ जी बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कोई आपको बोले कौवा आपका कान लेकर चला गया है तो कौवे के पीछे नहीं जाकर पहले अपने कान को देखना होता है इसी में समझदारी होती है कामिनी की बातों को सुनकर सुहासिनी लज्जित हो गई ये दूसरी बार था जब उसने अपनी बहू पर शक किया था लेकिन वो तो सच में अच्छे चरित्र की औरत थी बातों बातों में ही कामिनी ने अपनी सास को एक सबक भी दे दिया था कि सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए